यूपी के बरेली बिथरी चैनपुर सीट से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू बरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा को लेकर चौंका देने वाली खबर सामने आई है। शादी के इतने समय बीत जाने के बाद भी साक्षी मिश्रा अपने पति अतिजेश के साथ चैन से जीवन नहीं बिता पा रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में साक्षी मिश्रा के साथ हाथापाई की गई है। दरअसल साक्षी मिश्रा ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है। साक्षी मिश्रा ने दलित युवक अतिजेश के साथ बीते 3 जुलाई को घर से भागकर शादी कर ली थी। शनिवार को पहली बार साक्षी और अतिजेश अपने घर बरेली के इज्जत नगर के थाना वीर सावरकर नगर पहुंचे, जहां उनके साथ मारपीट की गई। साक्षी के साथ हुई इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षी ने अतिजेश के पड़ोस में रहने वाली योगिता त्रिपाठी पर यह आरोप लगाया है। साक्षी का कहना है कि बरेली पहुंचने पर योगिता उनकी शादी को लेकर सोशल मीडिया में गलत कमेंट लिख रही थी। अब इस बारे में पूछा तो योगिता साक्षी के ऊपर टूट पड़ी, जिसके कारण साक्षी को चोट भी आई है। यह मामला नोकझोंक के बाद मारपीट में बदल गई। साक्षी को काफी चोटें भी आई हैं। इस मामले में साक्षी ने बताया कि उन्होंने योगिता और उनके पति अंशुमान त्रिपाठी के खिलाफ पुलिस में तहरीर भी दी है। साक्षी मिश्रा ने बरेली पुलिस पर जबरन समझौता करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया और कहा कि घटना की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसने मामले को रफा दफा नहीं करने की स्थिति में जेल भेजने तक की धमकी दी थी। वहीं इज्जत नगर के एसओ के वर्मा के मुताबिक साक्षी और पड़ोस में रहने वाली योगिता के बीच झगड़ा हुआ था। आपसी सहमति के बाद दोनों ही परिवारों में समझौता हो गया है। उन्होंने तहरीर मिलने से इनकार किया है। सीसीटीवी में घटना की पूरी वीडियो होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। दलित युवक से शादी करने के कारण साक्षी और अतिजेश की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।